पूर्व राज्य मंत्री और परतूर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक पूर्व राज्य मंत्री और परतूर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक बबन राव लोणीकर ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी नगर परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कड़ी मेहनत करने का निर्देश दिया है। पूर्व मंत्री विद्यमान विधायक आमदार बबन राव लोणीकर ने विश्वास जताया कि परतूर नगर विकास कार्यों के बल पर आगामी चुनाव जीतेगा और परतूर नगर पालिका पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएगा। उन्होंने कहा कि इसीलिए आवश्यक है कि आगामी चुनाव में परतूर शहर में कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए बूथ स्तरीय समितियों के माध्यम से पहल की जाए। महाराष्ट्र भर बूथ रचने का काम युवा मोर्चा वती चालू है। राज्यभरा भाजपा आमदार है, खासदार है, केन्द्र के मंत्री है, पक्षा के पदाधिकारी है, पूर्ण राज्य में बूथ रचने का काम चालू है। ये काल भाजपा आठवा भाजपा वाने बामना पक्ष है, मुठभर लोकांचा पक्ष है। जुन्या काळात भाजपची सुरुवात झाली त्यावेळा समोर बाबासाहेब आंबेडकर असलेले आहेत, प्रकाश दीक्षित असलेले आहेत, मनुवाल बेळगावकर आहेत, मोजके नवदा माणसं भाजपचं प्रमुख शहरात काम करायचे, त्याच्यामध्ये आता सुधाकर मुनी होते, म्हणजे नवदा माणसं पक्ष चालायचे, मर्यादित पक्ष होता। दोन विधानसभेच्या निवडणुका आपण हरलो, आपण राज्यात हरायचो, आपण देशात हरायचो। भारतीय जनता पार्टीची स्थापना मुंबईमध्ये झाली आणि त्यावेळा भगवंतराव मोरे पक्षाचे सिनियर लीडर होते आणि मी कोळेपेंटर सारखा छोटा कार्यकर्ता होतो। त्यावेळा सुधाकर पुरी, भगवंतराव मोरे यांच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही सगळे दिलीप लोक, मुरली खरेदांडे हे सगळे भाजपचे पदाधिकारी आम्ही त्यावेळा भाजपच्या स्थापनेला गेलो आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यातून लोक येत होते। याचं निवेदन सगळं प्रभूजी महाराजांकडे होतं भगवंत आणि वेगवेगळ्या भाषा बोलून। तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ में रेड कलर के बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि रोजाना देश विदेश की खबरें आप तक पहले पहुंच सके। साथ में आप अपने सुझाव को हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।